So hey guys, this is Jagin and welcome back to my channel. So आज का ये वीडियो कोई ब्लॉग नहीं है, एक नॉर्मल वीडियो है सिर्फ अवेयरनेस फैलाने के लिए और कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए. So जैसे कि आप देख रहे हैं, ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस काफी तेजी से फैल रहा है और सब डरे हुए हैं, बड़े से बड़े देश और छोटे से छोटे देश. So अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कोरोना वायरस के लिए, काफी लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं और जो समझ रहे हैं वो कैसे प्रोटेक्शन कर रहे हैं. तो सैनिटाइजर और मास्क दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और दोनों ही बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं और मिल भी रहे हैं काफी हाई रेट से मिल रहे हैं, नकली प्रोडक्ट आ रहे हैं. तो अभी मैंने कोशिश की मास्क लेने के लिए क्योंकि मेरी भी तबीयत, मुझे आप लोग समझ में आ रहा होगा, मेरी तबीयत कुछ ज्यादा खास अच्छी नहीं है, सर्दी है, जुकाम है, खांसी लगी है. तो मास्क लेने मैं भी गया था और काफी हाई रेट से मिल रहे थे, 100 से 150 रुपए में नॉर्मल मास्क, और मिल भी नहीं रहा था काफी दुकानों के बाद, इधर उधर सर्च करने के बाद मिला है. तो मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया और कैसे एक मास्क आप अपने घर पे बना सकते हैं कुछ मिनटों में, तो मैंने ट्राई किया था और काफी अच्छा मास्क एक आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करेगा आप कहीं बाहर जाते हो, और ऐसा मास्क कि आपको फ्री में मिल जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा. एक रुमाल, एक टिश्यू और दो बैंड, रबड़ बैंड जो लेडीज इस्तेमाल करती हैं अपने बालों को बांधने के लिए. तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मली कहीं भी मिल जाएंगी. सो आज मैं आपको बहुत ही इजीली समझा दूंगा कैसे आपको एक मास्क बनाना है और उसको आप बहुत ही आसान तरीके से यूज कर सकोगे अपने प्रोटेक्शन के लिए और अपनी फैमिली के लिए भी. सो चलिए मैं आपको चीज़ें बताता हूँ तो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपको तीन चीज़ें इकट्ठी करनी है, पहला एक रुमाल, दूसरा एक टिश्यू पेपर और दो हेयर बैंड. आपके घर में यदि लेडीज़ हैं तो आराम से आपको ये तीनों चीज़ बड़ी आराम से मिल जाएंगी. तो सबको इन दोनों को पहले साइड में रखना है और एक रुमाल जो आपको लेनी है उसको सीधे पहले फैला लेना है और उसके बीच में टिश्यू पेपर रखना है. टिश्यू पेपर आपका फिल्टर का काम करेगा, एयर फिल्टर करेगा. आपके पास यदि टिश्यू नहीं है तो उसके बिना भी चल जाता है, बट यदि टिश्यू रहेगा तो ज़्यादा सेफ्टी रहेगी. तो टिश्यू पे थोड़ा आप काम कर लेना, टिश्यू कहीं ना कहीं से आप जुगाड़ कर लेना. उसके बाद आपको फ्लिप करना है रुमाल को दोनों साइड से, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, ऐसे फ्लिप करते जाना है जब तक ये दोनों एक दूसरे के करीब ना आ जाए, ऐसे और ऐसे. कोशिश करना है कि कम से कम नहीं तो इतना चौड़ा रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा चौड़ा रहेगा आपके नोज़ और माउथ दोनों को कवर कर लेगा. उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको दो रबड़ बैंड लेने हैं, यदि सिंपल मिल जाते तो ज़्यादा अच्छा है. नॉर्मल रबड़ का यूज़ नहीं बिल्कुल करना है, क्योंकि उसके कारण आपके कान कट सकते हैं, जो ये कान के पीछे आपके जाएंगे वो कटने के चांसेस रहेंगे, आपको मैं आगे चल के समझा दूंगा. और इन दोनों रबड़ को ऐसे नॉर्मली डालना है दोनों साइड से, एक साइड से इधर और एक साइड से इधर, जस्ट नॉर्मली ऐसे डालना है. और इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट कर देना है ताकि आपको आपकी ये जो रुमाल है खुलने के चांसेस मिनिमम रहे और आपके पास और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक नॉर्मली यूज कर पाएँ. तो आपका ये मास्क रेडी हो चुका है बड़े ही इजी तरीके से, और आप कैसे यूज करना है ये मैं बताता हूँ. नॉर्मली इसको उठाना है ऐसे और इसको चुपचाप इसे माउथ पे लगाना है ऐसे यू, और इसकी जो दोनों रबड़ है बिना कुछ के वो कानों के पीछे ले जाना है ऐसे, और आपको ये पूरा कवर कर लेगा, ये जस्ट ऐसे पूरा यहाँ तक कवर करेगा और ये यहाँ तक कवर करेगा. बड़े ही आराम से आपको पूरी सेफ्टी मिलेगी बिना मास्क लिए हुए, ये जस्ट यू. सो अभी मैंने आपको दिखा दिया कैसे आपको ये बनाना है. अब दो तीन सेफ्टी आपको स्पेशली रखनी है, पहला कि जो दोनों रबड़ रहेंगी वो नॉर्मली कहीं से भी आपको नहीं उठानी है, रबड़ बैंड जो हेयर बैंड आते हैं जो लेडीज़ यूज़ करती हैं फीमेल्स, उनको यूज़ करना है, और काफ़ी हल्का ज़्यादा टाइट नहीं रहना चाहिए ताकि आपको यहाँ यहाँ कटना है
और ज़्यादा देर तक आप इसको यूज कर पाओ। और दूसरा जो मैंने टिश्यू यूज करने के लिए बोला है, एक फिल्टर का काम करेगा, एयर फिल्टर का, उसको भी आपको यूज करना है यदि आपको मिल जाता है कहीं पे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये काम देगा। यदि आपके पास अभी मास्क नहीं है या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या आप घर पे भी हो तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। सो मिलते हैं अपने इंडेक्स ब्लॉक पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखिए।